हम यहाँ क्यों आए हैं? हमें तो रिंग लेने के लिए जाना था। जाना तो था, लेकिन मैंने सोचा कि आज शाम के लिए तुम्हें एक ड्रेस दिला दूं। इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे पास बहुत ड्रेस हैं। मुझे पता है यार, बहुत ड्रेस होंगे, पर कुछ यहाँ से ले लेते हैं ना। हाँ, तुम देखो ना, यहाँ पे एक से एक डिजाइन है, सारे मशहूर ब्रांड्स हैं। मैं चाहता हूँ हमारी शादी का ड्रेस सबसे अलग हो। लड़कियां अपना असल चेहरा शॉपिंग के टाइम ही दिखाती हैं। चलो देखते हैं तुम्हारा असली चेहरा क्या है। खुशामदीद शिवान साहब, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हाय, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा लग रहा है। अरे, बाबा का फोन। तहसीन बाबा ने कहा था कि अपने बाबा को कुछ मत बताना। चलो छोड़ो, नहीं उठाती मैं। देखो, मेरे पास पहनने के लिए कोई अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। चलो ठीक है विल्तान, तुम्हें किसी भी हाल में अपनी भाभी से अच्छा दिखना है आज रात। चलो, मैं तो चाहे कुछ भी पहन लूं, दुनिया में सबसे खूबसूरत ही दिखती हूँ हमेशा। तुम हमेशा यहीं से शॉपिंग करते हो? तुम्हें ये जगह अच्छी लगी या नहीं, ये बताओ। चलो ना यार शिमाल, तुम अब शॉपिंग के मूड में आ भी जाओ ना। देखो ना, कितने अच्छे अच्छे ड्रेसेस लगे हुए हैं। आह, देखो कितना अच्छा बैग है, जबरदस्त। देखा तुमने ये? तुम ये खरीदोगी? जबरदस्त। क्या तुम पागल हो गए? इतना महंगा और इतना सा बैग? तो तुम्हें क्या सूटकेस लेना है? बैग इतना ही छोटा होता है। यानी इतना महंगा बैग? पता है, इससे तो पूरे महीने के घर का खर्चा निकल सकता है। तो ठीक है, कोई और सा देख लो। देखो ये पड़ा है, कैसा है ये देखो कितना महंगा है ये देखिए शिवान साहब, आपके लिए स्पेशल कलेक्शन निकाल के लाई हूँ। जबरदस्त है ये, बहुत खूबसूरत है। तुम पे ये बहुत अच्छा लगेगा। शिमाल मैडम, चलिए जल्दी से पहन के दिखाइए। मैं पहनूं ये? जाहिर सी बात है, मैं तो नहीं पहन सकता, तुम्हारे लिए पहनो। नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, बहुत शुक्रिया आपका। तुम भी ना जिद मत करो, अभी हमें और भी बहुत काम है। अब मुझे जरूरत नहीं है इसकी। देखो, अभी हमें रिंग भी लेने जाना है। कहा ना, वाकई मुझे जरूरत नहीं है इसकी। तुम चलो चलो प्लीज, मैं कह रहा हूँ ना, तुम मेरी बात तो सुनो ना। देखो, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, बस तुम्हें ही पहनना होगा। जाओ जाओ, थैंक यू। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। सब लड़कियां ऐसे ही करती हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें ये सब कुछ लेना ही पड़ता है। तुम भी वही हो। हाँ, मुझे अपने दोनों लड़कों की शादियां अच्छी जगह करनी थी, लेकिन देखो ये क्या हो गया मरियम। एक ने तो देखो छुप छुपाकर शादी कर ली, और एक को देखो राह चलती लड़की ले आया, और तहसीन को देखो उन लड़कियों का हाथ मांगने चला है। मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। आप कुछ नहीं कर सकती अब, ये तो सब किस्मत में लिखा हुआ था। हाँ, आज ओकान गया और शादी करके आ गया। मैं चाहती हूँ शिवान तो कम से कम मेरी पसंद से शादी कर लेता, लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अम्मी जान, देखें ये ड्रेस शाम के लिए कैसा रहेगा। हाँ, मुझे नहीं लगता कि शाम के लिए कुछ खास है। हाँ, मैं जानती हूँ ये वैसे भी इतना खास ड्रेस नहीं है, लेकिन अगर मैं अच्छा ड्रेस पहनूँ तो भाभी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएंगी। अगर आपने चाय बना ही दी है तो एक कप मुझे भी दे दें। ये देखें। हाँ, मैं जानती हूँ मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी को एंजॉय नहीं किया। वैसे इस घर में नई दुल्हन का किसी को ख्याल नहीं है। अब क्या करें, किस्मत। हाँ, मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं सोचा था विल्तान। मैंने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं सोचा था। ये तो किस्मत की बात है। अम्मी जान, वैसे वो किस खानदान से है? मैंने कल रात पूछा ही नहीं। पता नहीं कहाँ से उठा कर ले आए हैं उस आर्थविन की लड़की को। देखो जरा, ये क्या कह रही है आप? क्या वो अंतिम से नहीं है? ना ही पूछो, ये आर्थविन के, वो लोग आर्थविन से हैं। हाँ मी, वैसे तो मैं इस मामले में ना ही बोलूं तो अच्छा है, लेकिन बाहर के लोगों को हमारे रस्मों रिवाज का कहाँ पता होता है। मैंने कई बार कहा है, लेकिन इस घर में मेरी बात कोई सुनने वाला ही नहीं है। पता नहीं कहाँ से उठा कर ले आए हैं उस आर्थविन की लड़की को। देखो जरा। हाँ और क्या, मैं भी तो आपसे यही कह रही हूँ अम्मी जान। वैसे तो मैं अपने देवर के लिए अंतिम की बहुत अच्छी लड़की ढूंढ सकती थी, मगर मैंने भी लड़की ढूंढने की कोशिश करी थी, पर मेरी किसी ने बात ही नहीं सुनी। तुम्हें बताओ मैं क्या करती। लेकिन आप तो लड़के की माँ है ना अम्मी, सबको आपकी बात सुननी चाहिए। आप इस घर की बड़ी जो हैं। मुझे अपनी बात मनवानी ही पड़ेगी, और आज के बाद तुम भी मेरा कहना मानोगी। अम्मी, हम लोगों का प्यार थोड़ा अलग सा है। हमारा प्यार ऐसा है जैसे, यानी इस तरह का है, लैला और मजनू का जैसा था, फरहाद और शीरी का जैसा था। हमें तो कितनी मुश्किलात पेश आई हैं। मुझे नहीं लगता शिवान ऐसा कर पाएगा। मुझे कल नहीं लगा कि वो उस लड़की से प्यार करता है। कहाँ हुई मुलाकात? अब देखें जैसे वो कान मेरी तरफ प्यार से देखते हैं, लेकिन मुझे शिवान और उसके दरमियान ऐसा कुछ नजर नहीं आया। जरा इधर तो देखिए शिवान साहब। बहुत खूबसूरत। इसे पैक करते हैं। जी ठीक है। नहीं, हम नहीं ले रहे। ले रहे हैं। नहीं ले रहे ना। मगर क्यों? शिवान, मैं इस टाइप के कपड़े नहीं पहनती। क्यों, क्या बुरा है इसमें? मैं इस तरह के कपड़े पहन के बैठ भी नहीं सकती। ऐसा ना हो कि खराब हो जाए। बल्कि इस तरह के कपड़ों में खाना भी नहीं खाया जा सकता। तो ठीक है, हम खाना नहीं खाएंगे, और अगर खाना गिर गया तो ये ड्रेस दोबारा ले लेंगे। यार कहा ना मैंने कि मुझे ये नहीं चाहिए। मैं इस तरह के इतने महंगे कपड़े नहीं पहनती। अरे यार, तुम्हें पैसों की क्या मुसीबत पड़ी है? मैं तुम्हें ऐसे 1000 ड्रेसेस दिला सकता हूँ। तुम एक अमीर बाप के अमीरजादे, और तुम्हारे बाबा तो इससे भी ज्यादा महंगी बारात लाने के चक्कर में हैं, और तुम तो अपने बाबा के पैसे को आसानी से खर्च कर लेती हो भाई। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता। मैं चाह रहा हूँ कि तुम हमारे स्टैंडर्ड की तरह कपड़े पहनो। और क्या चाह रहा हूँ मैं? बस इतना ही तो चाह रहा हूँ। कहा ना, हर किसी को ऐसे ड्रेसेस पसंद नहीं होते। अरे कैसी लड़की हो तुम? हर कोई चाहता है कि महंगे से महंगा ड्रेस पहने। तुम्हारी ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? मेरी तरफ देखो, देखो देखो उस हैंगर की तरफ। मैं तुम्हें उस हैंगर पे उसकी तरह से लटका दूंगी जब तुम्हें पता चलेगा। मैंने तुमसे कहा ना मुझे ये नहीं चाहिए, बस नहीं चाहिए मुझे ये। आई थिंक तुम समझ गए। La 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 la